हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क की बी एक्सरसाइज को। इससे प्रीवियस हमने ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी भाई, आपको मैंने अच्छे से समझाई थी वो एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे आज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एमसीक्यूज क्वेश्चन की एक्सरसाइज है, ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके अंदर भी वही कंसेप्ट यूज होंगे जो हमने ए एक्सरसाइज में समझे हैं, ठीक है। और इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 8 के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, एक या दो चैप्टर पेंडिंग है बस, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा तो अपनी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो पिछले वाली वीडियोस देख लेना जिसने नहीं देखी है, या फिर किसी को लिंक नहीं मिल रहा है या वीडियो नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट कर देना, उसको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एक्सरसाइज शुरू करते हैं भी, ठीक है। देखो फटाफट, अब इफ ए वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय ए इन 30 डेज, ए के द्वारा काम कंप्लीट किया जाता है 30 दिन में, बी के द्वारा किया जाता है 60 दिन में, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा ये बताना बस, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइम वर्क का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पे लिखेंगे ए वन डे वर्क, एक दिन का काम कितना होता है भाई, वन डे वर्क क्या कर रहा है ये, उल्टा कर देते हैं पता ना आपको, 30 का 1/30 हो जाता है, क्या हो जाता है 1/30, समझ रखा हमने ये, ठीक है। सेम टू सेम 20 वन डे वर्क कितना हो जाएगा भाई, उल्टा कर देते हैं 1/60, कितना भाई 1/60, ए एंड बी टुगेदर में क्या हो जाता है, ए और बी टुगेदर वन डे वर्क क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं हम, टुगेदर का मतलब होता है जोड़ना, 30 और 60 दोनों को जोड़ दिया भाई, ठीक है। अब एलसीएम कितना है दोनों का नीचे, 60 30 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 60 को 60 से काटेंगे 1 बचा प्लस में, 30 को 60 से काटते हैं 2 बन जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 बाय में 60 काट दो भाई कितना आ जाएगा 1/20। और आपको पता है टाइम निकालना होता तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा तो बोलेंगे ए एंड बी बी टुगेदर कंप्लीट वर्क इन, उल्टा करोगे तो 20 ऊपर चला गया तो 20 डेज, कितने भाई 20 डेज, ये काम को दोनों मिलकर पूरा करेंगे तो 20 दिन में काम पूरा हो जाएगा और हमारा आंसर 20 आएगा। ऑप्शन चेक कर लेना, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन ही हमारा ट्रू होगा वहां पर, ठीक है सही होगा। अगला देखते हैं बी, ए कैन डू अ जॉब इन 6 डेज, तो वही लिखते हैं सेम टू सेम इज वन डे वर्क, एक दिन का काम कितना भाई इसका, उल्टा कर देते हैं कितना आएगा 1/6, कितना आ जाएगा भाई 1/6, ए कैन डू अ जॉब इन 1/6 डेज। उसके बाद व्हाइल ए एंड बी टुगेदर, लिखते हैं ए एंड बीज दोनों का टुगेदर वन डे वर्क, इन दोनों का कितना काम है भाई वन डे वर्क, वो है अपना 1/2, कितना भाई 1/2, रेसिप्रोकल करना बस, आपने जो भी वैल्यू दे रखी उल्टा कर दो, 1/2 कर दिया मैंने। अब बताना है कि इसमें से बी कितने दिन में काम कर रहा है, ध्यान से सुनो, ये ए प्लस बी है, क्या है ये ए प्लस बी, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए प्लस बी है, ये दोनों ए प्लस बी मिलकर इतने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, ए अकेला इतने दिन में कर रहा है तो बताओ कि बी ने कितने दिन में किया, टोटल में से ए प्लस बी में से मैं अगर ए माइनस कर दूं तो ए से ए कट गया बी बच गया ना, तो बी वन डे वर्क कितना होगा, बी वन डे वर्क क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 में से 1/6 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। एलसीएम कितना आएगा अपना यहां पर, एलसीएम आ जाएगा दोनों का 2 और 6 का 6, तो काट लो 2 3 6 3 माइनस में 6 को 6 काटेंगे 1 आएगा ऊपर। एलसीएम लेना यार, एलसीएम तो तुम भी ले सकते हो अपने तरीके से ले लेना, जैसे आप एलसीएम लेते हो या फिर अगर ये लेना तो ऐसे ले लो। उसके बाद 3 में से 1 गया 2 बचा बाय में 6 काट दो भाई 2 3 6 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3, इसको उल्टा कर लो वही सेम टू सेम बी कंप्लीट वर्क इन, कितने दिन में उल्टा करोगे तो 3 ऊपर चला गया 3 डेज में, कितने भाई 3 डेज में। ऑप्शन चेक कर लेना, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन है ये भी, बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन होगा, दोनों का ऑप्शन सेम ही आया, ए ए ऑप्शन है दोनों में, 3 दिन आ जाएगा, 3 दिन में बी काम पूरा कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th करते हैं। यहाँ पे 3rd क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को पूरा कर रहे हैं किसमें भाई, फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, तो लिखेंगे यहाँ पे ए बी एंड सी वन डे वर्क, इनका एक दिन का काम कितना होगा भाई, आपको पता है उल्टा कर देते हैं कितना दे रखा है 4 दे रखा ना, तो हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा यहां पर। ए अलोन कैन डू इट इन 12 डेज, ए अकेला कर रहा है उस काम को कितने दिन में 12 दिन में, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर भाई ए वन डे वर्क, एक दिन का काम उसका कितना हो जाएगा भाई 1/4, सॉरी 1/12, 1/12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी का कितना भाई, बी
वन डे वर्क एज इट इज लिख के कितना आया भाई 18, 1/18 कितना भाई 1/18। ध्यान से सुनो, अब यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, ए और बी हमारा ये इतने दिन दे रहा है, तो बताना है यहां पर कि सी कितने दिन में काम करेगा। कहने का मतलब है इस पहले वाले में से अगर मैं ए और बी को माइनस कर दूं, ए और बी माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा, सी बचेगा ना, और हमने निकालना भी वही है, सी तो निकालना है, सी कैन डू इट अलोन, सी कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो सिंपल बात, हम क्या करेंगे भाई, लिखेंगे यहां पे सी वन डे वर्क, कैसे निकालेंगे उसका टोटल, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 1/4 में, माइनस कर देंगे इसमें से इन दोनों का सम 1/12 प्लस में 1/18, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले 1/4 तो एज इट इज, और यहां पर है माइनस, जोड़ लो भाई दोनों का एलसीएम कितना आएगा, यहां पर 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, यहां पर 36 कितना आ जाएगा, 36, 12 3 जा 36 होता है, प्लस में 18 2 जा 36 होता है, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 1/4 में 4 माइनस में 5/36 में 36, एलसीएम दोनों कितना आ जाएगा भाई, यहां पर 4 और 36 का कितना आ जाएगा 36 ही आएगा, 4 9 जा 36 माइनस में 36 से 36 5 कट गया, 9 में से 5 गए कितने बचे 4/36, काट दोगे तो 4 9 जा 36 तो आ गया 1/9 में 9, कितना आ गया भाई 1/9, यानी कि सी अलोन कितने दिन में काम पूरा करेगा, यहां लिख देता हूं सी कैन सी कंप्लीट वर्क इन, उल्टा कर देते हैं ना, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 डेज में, कितने दिन में भाई, सी अकेला काम को 9 दिन में पूरा करेगा, सी काम को अकेला 9 दिन में पूरा करेगा 9 डेज में, ऑप्शन चेक कर लेना, 1 फर्स्ट ही होगा मेरे ख्याल से, फोर्थ वाला करते हैं। देखो ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए और बी मिलकर काम को पूरा करते हैं, ए एंड बी वन डे वर्क, एक दिन का काम कितना हो जाएगा इनका भाई, रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/18 कितना भाई 1/18, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ए प्लस बी, क्या लिख सकता हूं कि ए और प्लस बी दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं, अगला है बी और सी यानी कि बी प्लस सी, उसके बाद कौन है बी सी के बाद सी ए यानी कि सी प्लस ए, ये ना भाई, यहां पे लिख देता हूं बी एंड सी, यहां पे लिख देता हूं सी एंड ए, वही है वन डे वर्क सेम चलना बिल्कुल। तो अगला कितने में कर रहा था 24 में, तो 1/24 कितना भाई 1/24, अगला कितने में कर रहा है 36 में 1/36, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों को जोड़ देता हूं, किसको जोड़ देता हूं, जोड़ देता हूं, देखो ए प्लस बी ठीक है, प्लस में बी प्लस सी ठीक है, प्लस में सी प्लस ए ठीक है, वन डे वर्क क्या होगा भाई इनका, जोड़ दो इनको 1/18 प्लस में 1/24 प्लस में 1/36, ये जोड़ दिया भाई तीनों के तीनों, एलसीएम क्या आएगा इनका तीनों का 72, कितना आएगा 72, एलसीएम ले लो 72 आ गया, 18 4 जा 72 4 आ गया, 24 3 जा 72 ये आ गया, 36 2 जा 72 ये आ गया, जोड़कर कितना बना 4 3 7 7 और 2 9 9/72, अच्छा 9 का टेबल तो तुम्हें आता ही है, 9 8 जा कितना होता है 72, काटोगे तो 9 8 जा 72 1/8 आ गया, कितना आ गया 1/8, और यहां पर देख लो जोड़ लो a और a कितना हो गया 2a, b और b 2b, c और c 2c, वन डे वर्क कितना भाई इनका 1/8 कितना 1/8, सभी से दो कॉमन ले लो बाहर, दो आ गया कॉमन a प्लस बी प्लस सी 1/8, वही वन डे वर्क लिख देना बीच में, टू मल्टीप्लाई में सेट जाएगा डिवाइड में, तो a प्लस में b प्लस में c वन डे वर्क कितना हो जाएगा भाई 1/8 तो था पहले से, और नीचे 2 डिवाइड में आ गया, ये वाला टू डिवाइड में, 8 2 जा कितना हो गया 16, तो 1/16, अब आपको पता है क्या करना है, 16 को उल्टा कर दो, उल्टा यानी कि ऊपर घुमा दो, तो 16 डेज यानी कि दे कैन डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, तो वो 16 दिन में काम को पूरा करेंगे, इसका आंसर 16 आएगा। लास्ट में लिख देनी अपलाइन, यानी चिजंग है नहीं फिर भी लिख देता हूं मैं यहां पे, दे ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 16 डेज, कितने दिनों में भाई 16 डेज में, और ऑप्शन चेक कर लेना भाई बुक में क्या है इसका, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन होगा, देख लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं भाई। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको क्या दिया है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क या फिनिश कर अपने काम को 12 दिन में, तो लिखेंगे यहां पे ए वन डे वर्क कितना होगा भाई, ए का वन डे वर्क 1/12, पता आपको, डिवाइड कर देते हैं, ऐसे सेम टू सेम बी का वन डे वर्क कितना होगा भाई 1/15 होगा, दोनों का बोथ का क्या वर्क डन होगा a प्लस बी, या फिर बोल सकते हैं a एंड b
वन डे वर्क, दोनों को जोड़ दो भाई, 1/12 प्लस में 1/15, एलसीएम कितना आएगा भाई आपको पता ही है, कितना ले एलसीएम यहाँ पे 60 ले लेते हैं, ठीक है, 12 × 5 = 60 यानी कि 5 प्लस में 15 × 4 = 64, 5 + 4 कितना हो गया 9/60, काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3/20 कितना है अभी इसको सोल्व कर लिख देते हैं, ए एंड बी वन डे वर्क कितना होगा, वन डे वर्क भाई इनका 3/20 होगा, कितना होगा 3/20 हो जाएगा दोनों का मिलकर। अब यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, वो ट्विस्ट क्या है, यहां से क्वेश्चन बदल चुका है, अब बोला है कि ए ने काम किया 3 दिन तक, हमने ए का वन डे वर्क तो देखा है, 3 दिन का काम देखते हैं, ए वन डे वर्क कितना था 1/12, ए 3 डेज वर्क, 3 दिन का काम क्या होगा ए का, 3 दिन का काम, 1 दिन का 1/12 है तो 3 दिन का 3 से मल्टीप्लाई कटेगा तो 1/4, यानी कि ए ने 3 दिन काम किया 1/4 लगा, कितना लगा 1/4 वर्क उसने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उसके बाद कितना काम बचा रिमेनिंग वर्क, तो लिखते हैं यहां पे रिमेनिंग वर्क के लिए क्या करते हैं, 1 टोटल वर्क में से माइनस कर देते हैं जो कर दिया उसने, इतना तो कंप्लीट हो चुका है, टोटल में से माइनस कर देंगे, एलसीएम लो भाई, एलसीएम आएगा 4, 4 × 4 = 4 माइनस 1 × 1 = 1, तो 4 में से बन गया 3/4, तो इतना काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है, कितना काम, इतना काम, अच्छा पेंडिंग काम कौन करेगा, कौन करेगा देख लो भाई यहां पर, वो करेंगे ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी फिनिश्ड, दोनों मिलकर ए और बी मिलकर दोनों इस बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताना है, तो बचा हुआ काम कितना 3/5, दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं 3/20 में, तो दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो, तो लिखेंगे यहां पे ए एंड बी कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो क्या लिखोगे 3/4 रिमेनिंग वर्क है, डिवाइड में कितने टाइम में पूरा कर रहे हैं भाई वो, कितने कितना काम कर रहे हैं 3/20, तो लिखोगे 3/20, अच्छा आपको पता है 3/4 एज इट इज डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और पिछले वाली चीज हो जाती है रेसिप्रोकल, 20/3, 3 से 3 कट गया 4 × 5 = 20, तो कितना आया 5 डेज, 5 दिन में दोनों मिलकर काम को पूरा कर देंगे, कितने दिन में भाई 5 दिन में, 5 डेज लेंगे ए और बी मिलकर बचा हुआ काम पूरा कंप्लीट कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी है शायद, चेक कर लेना, ठीक है भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, वो भी सेम टू सेम इसी जैसा है, बचा हुआ काम पूरा कराना उसमें भी, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो लिखेंगे यहां पर ए वन डे वर्क कितना भाई 1/20, ठीक है, और साथ साथ ऐसे लिख देंगे बीज वन डे वर्क कितना हो जाएगा भाई यहां पर 1/12, कितना भाई 1/12, अच्छा ध्यान से देखो बी ने काम किया कितने दिन 9 दिन, बी ने 9 दिन काम किया है, बी का 1 दिन का काम किया है 1/12, तो 9 दिन का कितना होगा बी 9 डेज वर्क कितना होगा, 1 दिन का तो है 1/12, 9 दिन का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3/4 कितना भाई 3/4 काम है 9 दिन का, बंदे ने बी बंदे ने क्या किया 9 दिन में 3/4 काम को पूरा कर दिया, बचा हुआ काम कितना है रिमेनिंग वर्क निकालो, रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क तो आपको आता है निकालना, क्या करना पड़ता है 1 से माइनस करना पड़ता है बस, तो 1 से माइनस कर देंगे किसको 3/4 को जो बी ने किया है, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आ जाएगा, ऊपर 4 × 4 माइनस 3 × 3, 4 में से 3 गया कितना बचा 1/4, तो अभी भी कितना काम बचा हुआ भाई, अभी भी काम बचा है 1/4, इतना काम बचा अभी भी, अच्छा बचे हुए काम को कौन करेगा, बचे हुए काम को कौन करेगा, एक अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क, ए को करना है सिर्फ अकेले ए को काम करना है बचा हुआ, तो क्या लिखेंगे ए कैन फिनिश, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इज इक्वल टू, देखो बचा हुआ काम कितना 1/4, यहां पर आ जाओ पिछले क्वेश्चन में, इसमें दोनों ने मिलकर किया था तो दोनों का जो नंबर आया था उससे डिवाइड किया था, अब इसमें सिर्फ ए को करना है तो ए वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 1/4 को डिवाइड करना है किससे भाई 1/20 से, और आपको पता 1/4 एज इट इज डिवाइड बन जाता मल्टीप्लाई, पिछले वाली टर्म हो जाती है उल्टी रेसिप्रोकल 20/1, 1 से तो 1 ही कट गया क्या काटना, 4 × 5 = 20 कर दो, 5 आ गया भाई, कितना आ गया 5, 5 डेज में, यानी कि ए अकेला 5 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर देगा भाई, यहां पे आ जाओ, इसमें भी 5 आंसर आए, इसमें भी दोनों के आंसर सेम ही आए हैं, आंसर चेक कर लेना इसका भी, मेरे ख्याल से ऑप्शन भी बी है इसका भी, देख लेना ऑप्शन में सारे एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन आया, ये 5 डेज आ गया,
तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाई समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, वीडियो अच्छी लग रही है तो अप्रिशिएट कर दिया करो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई नेक्स्ट हमारा जो है सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ए दुगनी स्पीड से काम कर रहा है बी से, यानी कि बी कितनी स्पीड से काम कर रहा है भाई, बी कर रहा है काम को 12 दिन में कंप्लीट। तो लिखेंगे यहां पे बी वन डे वर्क, एक दिन का काम बी का कितना भाई 1/12, तो ए का काम क्या भाई इज वन डे वर्क कितना हो जाएगा इसका डबल, यानी कि इसका ट्वाइस, डबल कर दो भाई इसका 1/12 को डबल कर दो तो आ जाएगा 1/6, कितना आ गया भाई 1/6। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ डेज देन टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है जोड़ दो दोनों को, तो लिखो ए एंड बी वन डे वर्क टुगेदर, वन डे वर्क टुगेदर, दोनों को मिलकर एक दिन में काम कितना पूरा किया भाई, सिंपल है दोनों को जोड़ दो, क्या करोगे 1/12 प्लस में 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 12 ही आएगा, आपको पता है 12 बन 12 होता है, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाय में 12, तो काट दो भाई 3/12 को 1/4 आएगा, 3 4 जा 12 होता है ना 1/4, तो आंसर आ गया 1/4, यानी कि इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 4 ऊपर चला गया, 4 डेज लगेंगे टोटल, कितने लगेंगे 4 डेज, तो लिख दो ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों काम को कितने दिन में पूरा करेंगे भाई 4 डेज में काम करेंगे, ऑप्शन चेक कर लेना इसका, आई थिंक ए ऑप्शन हो पता नहीं, देख लेना। 8th क्वेश्चन करते हैं भाई यहां पर, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, ए कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, लिखो भाई ए इज 1 डे वर्क कितना भाई 1/80, लेकिन एक काम कितने दिन कर रहा है, ए ने काम किया है सिर्फ 10 दिन, तो एक दिन का काम इतना है तो 10 दिन का कितना होगा, लिखो इज 10 डे वर्क, तो आपको पता ही क्या करते हैं, एक दिन का इतना तो 10 दिन का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कट के आया भाई 1/8। अच्छा ए ने, जो ए बंदा था अपना, उसने 1/8 काम किया सिर्फ, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, इसका रिमेनिंग निकालो, रिमेनिंग वर्क REMAINING आ जाएगा, ठीक है भाई रिमेनिंग वर्क, तो 1 - 1/8 एलसीएम ले लो भाई, पता है यार आपको रिमेनिंग निकालने के लिए, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, 1 में से माइनस कर देते हैं 1/8 को, जितना भी उसने काम किया है, तो एलसीएम आएगा नीचे 8 1 = 8 माइनस में 1 1 = 1 8 में से 1 गया भाई 7/8 कितना आ गया 7/8, तो 7/8 काम कर रहा है 7/8 है जो बचा हुआ काम है, यानी कि ए ने उतना काम नहीं किया है, तो फिर किसने किया ये काम, ये काम किया बी ने, देन बी अलोन फिनिश द वर्क इन 40 डेज, अच्छा बी ने 7/8 को बचे हुए काम को, रिमेनिंग वर्क को 40 डेज में काम कंप्लीट किया है, तो लिखोगे यहां पे बी ने, किसने बी, बी कंप्लीट 7/8 वर्क इन 42 डेज, बी ने कंप्लीट किया 7/8 वर्क को इन 42 डेज में, 42 डेज में कंप्लीट किया, तो बी का होल वर्क कितना आएगा, वन डे वर्क कितना आएगा बी का, तो लिखो बी कंप्लीट द होल पूरे का पूरा वर्क कितने दिन में, वर्क कितना कंप्लीट करेगा, देखो 42 मल्टीप्लाई में 7/8 का उल्टा हो जाता है, 8/7 कितना हो जाता है 8/7 कट जाएगा, 7 6 = 42 8 6 = 48 48 डेज में कंप्लीट कर रहा है पूरा, कितने दिन में, बी कंप्लीट द होल वर्क इन 48 डेज, पीछे डेज लिख देना लिखना, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, टोटल तो 48 डेज में कर रहा है, तो बी वन डे वर्क कितना होगा, बी वन डे वर्क, वन डे वर्क कितना हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं आपको पता 48 1/48 हो गया, ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, वहां पर लिखा है बोथ के बोथ, यानी कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय टुगेदर टू फिनिश द वर्क, टुगेदर यानी कि दोनों को जोड़ लो, दोनों क्या है ए और बी, लिखो यहां पर ए प्लस बी, यानी कि ए और बी, यानी कि यहां लिख देते हैं ए एंड बी फिनिश द वर्क, या फिर लिख दो वन डे वर्क, क्या लिखोगे यहां पे वन डे वर्क लिखो, ए एंड बी वन बी इज वन डे वर्क, क्या लिखोगे यहां पे वन डे वर्क कितना हो जाएगा भाई दोनों का, जोड़ लो 1/80 ए का था, बी का कितना भाई 1/48, दोनों का एलसीएम क्या आएगा अभी यहां पर, एलसीएम देखो भाई हम ले लेते हैं यहां पे 24 ले लेते हैं, 240 ले लेते हैं यहां पे, कितना ले लेते हैं भाई
240 ले लेते हैं, क्योंकि 5 8 40, 5 4 20, 240, हाँ 240 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मैंने क्या ले लिया भाई यहाँ पर, अगे ले लेता हूँ 240 एलसीएम आ गया। 83 जा 240 होता है, प्लस में 48, 5 जा होता है 240, 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 बाय में 240। अच्छा 8 बाय 240 कट रहा है, काट के देखो 8 बाय 240 कटेगा कि नहीं कटेगा। 83 जा 24 तो आया 1 बाय 30, कितना आया भाई 1 बाय 30। 1 बाय 30 को उल्टा कर दो, घुमा दो ऊपर, तो 30 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ जाएगा, 30 डेज। कितने भाई, ए और बी मिलकर काम को 30 डेज में पूरा करेंगे। लिख दो लास्ट लाइन, ए एंड बी कैन फिनिश वर्क इन 30 डेज। कितने दिन में, 30 डेज। ऑप्शन चेक कर लेना यार एमसीक्यूज में क्या ऑप्शन आ रहा है इसका 30 डेज का, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन होगा, देख लेना चेक कर लेना। तो यहां पर आपका 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यहां पर 9 में देखिए आपको क्या दिया है, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 45 आवर्स, कि पाइप ए है जो हमारी वो 45 आवर्स में फिल करती है टैंक को, और बी उसको एम्प्टी कर रही है 36 आवर्स में। बोथ द पाइप आर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों पाइप को एक ही दम टाइम पे खोल दे तो कितने टाइम में टैंक को फिल करेंगे। तो सिंपल बात, अभी यहां पर क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पाइप ए, 1 आवर वर्क लिख देते हैं यहां पे, 1 आवर वर्क, आपको पता ही उल्टा कर देते हैं, 1 बाय 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 बाय 45। पाइप बी का भी ऐसे कर लेंगे, पाइप बी 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा 1 बाय 36, कितना भाई 36। ए एंड बी टुगेदर कितने टाइम में फिल करेंगे भाई, 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, जोड़ लो दोनों को 1 बाय 36 प्लस में 1 बाय 45। एलसीएम देखो भाई दोनों कितना आ जाएगा, आ जाएगा एलसीएम दोनों का 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। अब 36 फाइव होता है 180 प्लस में 45 फोर होता है 180, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 बाय में 180 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 18, 1 बाय 20 बचा। और आपको पता है हम हर बार यही बात करते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलेंगे यहां पर ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स, ए और बी दोनों मिलकर अगर ओपन कर दे दोनों को तो 20 आवर्स में टैंक फिल हो जाएगा आपका। ऑप्शन चेक कर लेना 20 कौन से में आ रखा है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए कैन फिल द सिस्टम इन 4 आवर। ए क्या कर रही है भाई, ए 1 आवर वर्क, आवर्स लिखा ना पीछे 1 आवर वर्क, कितना होगा भाई यहां पर उल्टा कर देते हैं आपको पता 1 बाय 4। बी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर, और बी क्या कर रही है भाई यहां पर, बी 1 आवर वर्क हो जाएगा 1 बाय 6, कितना हो जाएगा 1 बाय 6। अब देखो ध्यान से एक लाइन लिखी यहां पे, बोथ ऑफ देम आर ओपन एट द सेम टाइम व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, सिस्टम एम्प्टी हो रखा है यहां पर भाई, दोनों को जब ओपन करेंगे तो देन द आवर्स नंबर बाय टेकन, वापस उसको जब चलाएंगे तो देखना है कितने घंटे में भरेगी। अच्छा एम्प्टी कर रहा है यहां पर, क्या रहा है ये एम्प्टी हो रहा है, तो यहां पर माइनस का साइन लगेगा, क्या लगेगा माइनस का 1 बाय 6, खाली कर रहा है एक तो भर रहे हैं हम, एक खाली कर रहा है, दोनों मिलकर, ये लाइन लिखी है उसमें नहीं लिखी थी कभी, बोलो उसमें हो रखा था, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बाय 6। दोनों को क्या कर देंगे अब, एड कर देंगे, वही करने वाला काम है, ए एंड बीज 1 आवर वर्क टुगेदर में क्या करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को 1 बाय 4 प्लस में माइनस का 1 बाय 6। अब आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो 1 बाय 4 माइनस में 1 बाय 6। एलसीएम दोनों का कितना हो जाएगा भाई यहां पर, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा यहां पे कितना 6 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 माइनस में 6 2 जा 12, 3 में से 2 गया 1 बाय 12, और दोनों को माइनस कर दिया तो 1 बाय 12 बचेगा अभी अपने पास, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ए एंड बी लिखो यहां पे, ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन कितने आवर में, 12 आवर्स में, चेक कर लेना भाई ऑप्शन, 12 आवर्स, 12 घंटे किस में लगेंगे ऑप्शन में चेक कर लेना, वहां पर एक आंसर होगा ये हमारा। यहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन एक ही चीज कर रहा हूं, रेसिप्रोकल के जोड़ रहा हूं माइनस कर रहा हूं, ये चीज चल रही है शुरू से ही। फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी चैनल को सपोर्ट क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो देख लेते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हमें सपोर्ट मिले, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, उसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी इसकी 1 शॉट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भी, यहां पर 11 में देखिए आपको क्या दिया है, एक सिस्टम है जिसके अंदर लीकेज है, वो बॉटम को फिल कर रहा है 15 आवर्स में, किसमें भाई 15 आवर्स में फिल कर रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, सिस्टम ए किसकी वैल्यू लिखेंगे, सिस्टम ए की जो फिल कर रहा है टैंक को ए में, तो लिखेंगे ए सिस्टम 1 आवर वर्क, एक घंटे में कितना होगा उसका, तो उल्टा कर देते हैं 1 बाय 15 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 1 बाय 15। हैड देयर बीन नो लीकेज इट वुड बी फाउंड,
अच्छा अब यहां पर क्या बोल रहा है, अगर एक ऐसा टैंक है जिसमें कोई भी लीकेज नहीं है, क्या है जिसके अंदर कोई भी लीकेज नहीं है, वो कितने फिल कर रहा है 12 आवर्स में, कितने भाई 12 आवर्स में। बी है जो हमारा सिस्टर्न वो फिल कर रहा है 1 आवर में, 1 आवर का काम कितना होगा उसका 1/12। अच्छा ध्यान से देखो यहां पर, सिस्टर्न इज फुल एट द लीक कैन एम्प्टी इन इट, तो लीक उसको एम्प्टी कर देगा, ठीक है जितना भरेंगे पानी उतना निकल जाएगा क्योंकि एक जगह से लीक है उसमें। लीक वाला कौन सा, 15 वाला, कौन सा भाई 15 वाला। तो लीक के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब लीक हो रहा है और खाली हो जाता है टैंक तो उसमें माइनस का यूज करेंगे। अब ए एंड बी बोथ को सेम टाइम पे ओपन किया गया तो देखते हैं, ए एंड बी सिस्टम है जो 1 आवर वर्क, देखते हैं इसका क्या हो जाएगा भाई। तो क्या लिखेंगे 1/12 प्लस में माइनस का 1/15, आपको पता दोनों को प्लस करते हैं, 1/12 प्लस माइनस माइनस 1/15। एलसीएम देखो भाई क्या आ जाएगा, दोनों का 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60, 12 5 60 माइनस में 15 4 60, 5 में से 4 गया 1/60। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 60 आवर्स। तो क्या बोलेंगे यहां पर, ए एंड बी जो हमारा यहां पर सिस्टम है, ए और बी दोनों टुगेदर सिस्टम है जो हमारा ए और बी पाइप के द्वारा भरा जा रहा है, टुगेदर फिनिश या बोल सकते हैं फिल फिल द सिस्टम इन कितने 60 आवर्स में, किसमें भाई 60 आवर्स में, 60 घंटे लगेंगे 60 आवर्स। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से डी ऑप्शन है, इसका चेक कर लेना एक बार। लास्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, लास्ट क्वेश्चन हमारा 12th है। अ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 4 एंड 6 आवर। तो ए हमारा जो पाइप है इज 1 आवर वर्क, कितना होगा भाई इसका 1 आवर वर्क, उल्टा कर देते हैं 1/4। फिर ऐसे सेम टू सेम बी का देख लो भाई, बी का भी 1 आवर वर्क कितना होगा 1/6। फिर सी का देख लो भाई, सी का भी 1 आवर वर्क कितना रहेगा 1/8। देख लो भाई ए और बी का तो 4 एंड 6 है और सी पाइप का कितना भी हमारे पास यहां पर 8 आवर्स, लेकिन सी पाइप एम्प्टी कर रही है, खाली कर रही है टैंक को, और एम्प्टी के लिए क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है सी पाइप क्या कर रही है अभी, कैन बी एम्प्टीड बाय अ सी पाइप, एम्प्टीड खाली कर रही है टैंक को, इसलिए इसके जगह पे माइनस लगा है। अब तीनों को फिर वही ए बी एंड सी को सेम टाइप पे एट द सेम टाइम पे ओपन किया गया तो ए एंड बी एंड सी इज 1 आवर वर्क। तो आपको पता तीनों को जोड़ते हैं 1/4 प्लस में 1/6 प्लस में माइनस का 1/8, प्लस तो लगेगा बट माइनस का 1/8 है। एलसीएम देख लो भाई 1/4 प्लस में 1/6 माइनस में 1/8, तीनों का एलसीएम 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहां पर, तीनों का एलसीएम 24 ले लो, 24 आ जाएगा क्या, 8 3 24, 8 3 64, 8 3 24, 6 4 24, 4 6 24, हाँ 24 हो जाता है भाई। तो देखो 4 6 24 प्लस में 6 4 24 प्लस में 8 3 प्लस, बोल रहा हूँ सॉरी माइनस आएगा, कितना आएगा माइनस आएगा 8 3 24, ठीक है भैया आ गया। अब देख लो सोल्व करोगे 6 और 4 10, 10 में से 3 गया 7, 7/ 24 आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना टाइम के लिए, रेसिप्रोकल कर लो, देखो 24/7 आएगा, इसको ब्रेक डाउन करो क्योंकि आर्स में लाना हमने इसको। तो देखो 7 4 7 3 21, 21 के बाद कितना आएगा मिक्स फ्रैक्शन में, ये 7 3 21 और बच गए 3, 3 बचेंगे क्या, 7 3 21 और बच जाएंगे यहां पर 3, ये आ गया भाई आपका, है ना ये आ जाएगा। अब यहां पर कितना बचा भाई, 3 बच गया ना, 3 घंटे और 3/7 मिनट, मिनट 1 घंटे में कितने मिनट होती है 60 मिनट, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 60 से यहां पे इस वाले पार्ट को। तो देखो 6 3 18 तो हो जाएगा 3 आवर्स और 180/7 मिनट, इसको भी तोड़ लो फिर 7 3 7 2 14 बच गए 4, 40 हो गया, 40 से नीचे कितना होता है 7 5 35 और फिर कुछ 0.6 लगा के चलो ऑलमोस्ट, तो ये आ जाएगा 3 आवर्स 26 मिनट। तो कितना आएगा 3 आवर्स 26 मिनट्स, चलो भाई फाइनल आंसर आ गया आपका, 3 घंटे 26 मिनट लगेंगे 3 आवर्स 26 मिनट उस टैंक को वापस फिल करने में। और यहां पर आपका जो क्वेश्चन है भाई 12 कंप्लीट हो जाता है, हमारी वन शॉर्ट वीडियो थी जो वो कंप्लीट हो जाती है एक्सरसाइज 11B की। आई होप आपको इस एक्सरसाइज को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना भाई, डाउट कोई भी आया आपका जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी जितना उसके अपनी इस वीडियो को और इससे प्रीवियस जो 11A है, बाकी वीडियो भी हमारी
मैंने बोला था स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हमारा 8th का जो क्लास है उसका सारे का सारा मैथ कंप्लीट होने वाला है। कोई एक दो चैप्टर बचा होगा मेरे ख्याल से, वो भी जल्दी खत्म कर देंगे। भी उन वीडियो को भी शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, क्लासमेट्स को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ताकि सपोर्ट मिले भाई, थोड़ा मोटिवेट मिलता है हमें भी। हाँ भाई चैनल ग्रोथ कर रहा है, बच्चों को उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।